भैया मुझे हॉस्टल लेना चाहिए या फिर पीजी अपने फर्स्ट ईयर में। ये एक ऐसा डाउट है जो हर एक कॉलेज फ्रेशर को होता है, क्योंकि मल्टीपल रीजंस आ रहे होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं अपने दिमाग में। हॉस्टल में रहूँगा तो क्या पता टाइम मिले ना मिले, बच्चे तंग करे, मैं तो सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। पीजी में रहूँगा तो आई नो अकेला हो जाऊँगा, लेकिन शायद से ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने ऊपर फोकस करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना, सही तरीके से कभी मिल ही नहीं पाता है। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैं लकीली एक ऐसा स्टूडेंट रहा हुआ हूँ जिसने अपनी कॉलेज लाइफ में दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक मैंने अपने हॉस्टल भी लेकर रखा हुआ था और लास्ट ईयर में मैंने पीजी भी लिया हुआ था। तो सिमिलरली मैंने दो लाइफ जी हुई है अपनी कॉलेज लाइफ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या पीजी सही है या फिर हॉस्टल सही है, मैं आपको सही तरीके से इसका सलूशन दे सकता हूँ। अब हम सबसे पहले थोड़ा हॉस्टल्स के बारे में समझते हैं। हॉस्टल्स वो जगह होती है जो आपको कॉलेज वाले खुद प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए। हॉस्टल्स के थोड़े से एडवांटेजेस ये हो जाते हैं कि ये ना कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं एज कंपेरेटिवली अगर हम इसको कंपेयर करें पीजी में रहने के खर्चे से। वो खर्चा क्यों हॉस्टल्स का सस्ता होता है वो मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों के अंदर बताऊंगा। दूसरी चीज, हॉस्टल के अंदर ना दोस्त बनाना बहुत ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि जब तुम एज अ कॉलेज फ्रेशर ज्वाइन करते हो ना, तुम्हारे साथ ही 500, 600, 700, 800 नए बच्चे होते हैं जो उसी सेम हॉस्टल के अंदर रह रहे होते हैं। तो वहां पर ना अपने मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ दोस्ती बनाना बहुत ज्यादा आसानी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तुम अगर हॉस्टल में रहते हो तुम कभी भी बोर फील नहीं करोगे, ये मैं इस चीज़ की गारंटी दे देता हूँ। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट होगे ना जो बिल्कुल ही इंट्रोवर्टेड होकर रह रहा है, तो भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार, तुम्हारा कमरा ना हमेशा महफिलों से भरा हुआ होगा, क्योंकि हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी बच्चे, मतलब ज़्यादातर बच्चे ना रात के 3-4 बजे तक सोते ही नहीं है। तो या तो तुम्हारे कमरे में बच्चे आ रहे होंगे तुमसे बात करने के लिए, या तो जब तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा तो तुम बाहर कॉरिडोर में घूम रहे होगे जहाँ पर तुम्हें कोई और नए बच्चे मिल जाएंगे जो भी कॉलेज फ्रेशर होगा, और तुम साथ में बात करते करते तुम्हारा मतलब महफिल बन जाएगी और तुम कभी भी हॉस्टल में बोर फील करोगे ही नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज हॉस्टल का ये है कि तुम्हारे ना जैसे घर में एक फिक्स टाइमिंग होती थी ना कि तुम्हें पता है यार कि मम्मी है जो तुम्हारा ख्याल रख रही है, वैसे ही जो हॉस्टल की मेस है ना वो तुम्हारा ख्याल रख रही होती है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें भूख लगेगी तो 2:15 में तुम्हारी मेस स्टार्ट होगी, तो तुम वहां पर खाना खाकर जा सकते हो। पीजी में ये चीज नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि शायद से या तो तुम्हें पीजी में खुद खाना बनाना पड़ता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैं तुम्हें आने वाले कुछ मिनटों में सिखाता। तो हॉस्टल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की टाइमिंग्स बिल्कुल फिक्स होती है, जिसकी वजह से तुम्हें खाने पीने की उतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है ऑब्वियसली। बट एक फैक्टर है कि यार मेस का खाना अच्छा नहीं होता है। एक और एडवांटेज जो हॉस्टल वाले बच्चों के पास होता है और जो पीजी वाले बच्चों के पास नहीं होता है, वो ये कि जो हॉस्टल्स होते हैं वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे, यानी कि मतलब कॉलेज के बीच में ही होते हैं, तो बच्चे सुबह सुबह उठे, नहाया भी नहीं और भागते भागते अपनी क्लास में चले गए। लेकिन जो बच्चे पीजी में होते हैं तो उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं कि तुम्हें जो पीजी होगा ना वो अपने कॉलेज के पास में ही मिलेगा। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो तुम्हें वो ट्रैवलिंग वगैरह का खर्चा भी आता है और थोड़ा दूर पड़ेगा, जिसकी वजह से ना थोड़ा डिस्टेंस का बहुत ज्यादा चक्कर पड़ जाता है। एंड गर्मियों में तो तुम तभी भी मैनेज कर लोगे, लेकिन सर्दियों में जब तुम्हें बाइक में या फिर ऑटो में सुबह 7 बजे उठ के 8 बजे कॉलेज आना होगा ना, 8:50 पे, तब मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो डिस्टेंस भी एक रोल है जो बहुत ज्यादा मैटर करता है, चाहे तुम हॉस्टल में रह रहे हो या फिर तुम पीजी में रह रहे हो। अब हॉस्टल के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा डिसएडवांटेज जो मैं हर एक बच्चे को रेकमेंड करता हूं कि शुरुआत से ही अपनी बाउंड्री बनाकर रखना, वो ये है कि तुम्हारे को ना प्राइवेसी नहीं मिलेगी। कोई भी अगर तुम्हारे दोस्त होंगे तो रात के 3-3 बजे तक तुम्हारे कमरे के अंदर आ रहे होंगे, तुम्हें मतलब बातचीत में फंसा देंगे, बातें वगैरह कर रहे होंगे, वो खुद का तो टाइम वेस्ट करेंगे ही, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन ये हर एक बच्चे के कमरे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैं अपने तुम्हें एग्जांपल देना चाहता हूं। आई स्टिल रिमेंबर मेरा एक दोस्त था जिसने ना अपने दोस्तों को इतना ज़्यादा एक्सेस दिया हुआ था कि उसके दोस्त कमरे के अंदर आते थे तो जब उसकी अलमारी पे ताला भी लगा हुआ होता था ना, ये होता ना कि शुरुआत में तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, बच्चों ने आना ताला पत्थर से तोड़ देना और उसके अलमीरा में से हेयर ड्रायर ले जाने, पैसे ले जाने, ठीक है, मतलब दोस्ती दोस्ती के चक्कर में, भाईचारे के चक्कर में। लेकिन मैंने अपने 4 साल के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी। मैं अपने कमरे में बहुत ज़्यादा आने ही नहीं देता था बच्चों को, लास्ट स्टेज में वो आ जाते थे क्योंकि मैंने जब जाना शुरू कर दिया था बच्चों के कमरे में। तो ये बार याद रखना, एक ट्रिक है, एक चालाकी वाली चीज़ करना कि अपने कमरे को कभी भी महफिल वाला कमरा मत बनने देना, कि जहाँ पर 7-8 बच्चे आ रहे हैं और बस रात को बैठ के कोई अपनी गप्पे सुना रहा है, कोई अपने गप्पे
पे सुना रहा है, शुरुआत में तुम्हें बड़ा ज्यादा मजा आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार अब फोकस करने की बारी है, अब तो ये जा नहीं रहे हैं, खुद ये पढ़ नहीं रहे हैं ना मुझे पढ़ने दे रहे हैं, तो वो एक प्राइवेसी बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए मेंटेन करना, कि तुम शुरुआत से बाउंड्रीज मेंटेन करके रखो कि यार मेरे कमरे में मत आओ, डायरेक्टली मुंह पे मत बोलो, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो तुम ऑलरेडी मतलब या तो सीख गए होगे या तो तुम सीख जाओगे आने वाले टाइम में, तो ये एक फैक्टर है जो जरूर कंसीडर करना। दूसरा डिसएडवांटेज हॉस्टल का ये होता है कि हॉस्टल में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वार्डन की चिक चिक तुम्हारे कमरे के अंदर, मतलब बहुत बार ऐसी होगा कि यार चेकिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है, तुम बोलोगे यार कि मेरे को कपड़े प्रेस करने के लिए मैंने आयरन रखी हुई है, प्रेस रखी हुई है, मेरे को इंडक्शन वगैरह नहीं चलाने दे रहे हैं, तो वो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन का थोड़ा मतलब बेकार चीज हो जाती है। एक चक्कर ये होता है यार, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या हमें कॉलेज से बाहर जाने दिया जाएगा या फिर नहीं जाने दिया जाएगा। 5:30 बजे मोस्टली तुम्हारे जो हॉस्टल्स हैं वो ओपन हो जाया करेंगे, ठीक है, तब तुम्हारी अटेंडेंस वगैरह नहीं लगती है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए वाला अटेंडेंस वगैरह का बहुत ज्यादा सीन होता है हर एक हॉस्टल में। 5:30 बजे तुम्हारा हॉस्टल खुल जाया करेगा, तुम वहां से जाओ जहां मर्जी तुम्हें जाना है, और रात को 9:30-10 बजे तुम्हारा हॉस्टल बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यार बहुत ज्यादा शुरुआत में अटेंडेंस वगैरह का चक्कर होगा, तुम्हारे से मतलब पेरेंट्स का मतलब नंबर लिखवाया जाएगा कि यार अगर कोई भी दिक्कत होती है तुम्हारे पेरेंट्स के नंबर पर फोन कर दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा। उससे बचने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं तुम्हें अभी बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बेस खराब हो जाएगा इस चक्कर के अंदर और पेरेंट्स सारे मुझे गालियां देंगे, लेकिन तुम आहिस्ता आहिस्ता इन ट्रिक्स को भी सीख जाओगे कि कैसे बच बच कर चलना होता है, हॉस्टल से बंक कैसे मारना होता है, ये सब चीजें। अब देखो पीजीज बेसिकली वो होते हैं कि जैसे तुम्हारे घर का कोई ऊपर वाला कमरा है तो तुमने किराए पर दे दिया किसी किराएदार को, सिमिलरली तुम किराएदार होगे जिस भी कॉलेज में तुम जा रहे होगे, तो वहां पर तुमने 5,000 रुपए रेंट दिया और तुम्हें वो कमरा मिल जाएगा, अटैचेबल वॉशरूम, अटैचेबल किचन, जहां पर तुम खुद खाना वगैरह बना सकते हो या तो तुम बाहर से रोटी वगैरह अपने लिए लगवा सकते हो। यहां पर रहने के एडवांटेजेस ये होते हैं कि यार सबसे पहले तो तुम्हें फ्रीडम मिलती है, तुम जब मर्जी आओ, जिस मर्जी को लेकर आओ, जब मर्जी जाओ, जैसे मर्जी रहो, जो मर्जी करना करो, इस चीज की बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पीजी का। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है यार कि तुम्हारे पास ना बहुत ज्यादा प्राइवेसी होगी और बहुत ज्यादा फ्री टाइम होगा। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो इंट्रोवर्टेड और जो तुम्हें लगता है कि यार तुम बाकी लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हो, हॉस्टल का माहौल तुम्हें ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो तुम पीजी को भी कंसिडरेट कर सकते हो, तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगे। पीजी में रहने के सबसे बड़े 2 डिसएडवांटेजेस ये हैं कि तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा होगा और तुम्हारा जो लोनली टाइम होगा ना यार वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। खर्चे की मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूं। जब तुम्हें एक मकान मालिक बोलेगा ना कि तुम्हें 5,000 रुपए में कमरा दे रहे हैं, 4,000 रुपए में कमरा दे रहे हैं, उस 4,000 के साथ साथ ना तुम्हारा 10,000 रुपए कम से कम मिनिमम मतलब खर्चा आने लगेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा तुम थक कर कॉलेज से आ रहे होगे और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम खुद बैठ कर खाना वगैरह बनाओ। लड़कियां जो होती है ना वो तभी भी बना लेती हैं क्योंकि ना उनकी दोस्त वगैरह होती हैं, वो इकट्ठे बैठ कर मतलब बना लेती हैं। लड़के तो इतने लिचड़ होते हैं, लड़कों को कोई परवाह ही नहीं है कि वो खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, और उन्होंने एंड में जाकर बाहर से ही खाना खाना होता है। तो पीजी का जो खर्चा होता है ना वो हर महीने बढ़ता जाता है और वो कंपैरेटिवली हॉस्टल के मामले में ना बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इस एक चीज का याद ध्यान रख लेना। दूसरा, पीजी के अंदर ना यार तुम्हें दोस्त वगैरह कम मिलेंगे। आई नो कि तुम बाहर से अपने दोस्त वगैरह को ला सकते हो, लेकिन कितनी देर बुलाओगे? हॉस्टल के अंदर ये चीज नहीं होती है, हॉस्टल के अंदर कोई भी कुत्ता बिल्ला तुम्हारा दोस्त होगा, लेकिन पीजी के अंदर यार तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, तो इस एक चीज को याद रख के चलना। अब यार मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूं, अपने पर्सनल सजेशन देना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हर एक बच्चे को 1 साल के लिए मिनिमम टू मिनिमम हॉस्टल लाइफ को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज ये कॉलेज के 4 साल है ना, इसके बाद यार तुम्हें जब तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे ना, तुम्हें अकेला ही रहना है। तुम पैसा कमाओगे लेकिन तुम्हारे पास तब इतने ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं होंगे, पैसे वगैरह होंगे लेकिन खर्च करने के लिए कोई नहीं होगा। तो जो 1 से 1.5 साल है ना, तो मैं रेकमेंड करूंगा यार कि प्लीज हॉस्टल में रह लो, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि अगर तुमने हॉस्टल लाइफ को जी लिया तो तुम कभी भी पीजी में रहने के बारे में सोचोगे भी नहीं। पीजी में मेजॉरिटली वो बच्चे रहते हैं जिनकी ना गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती हैं, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ वहां पर टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, टाइम स्पेंड मतलब कोई और ही टाइम स्पेंड वो कर रहे होती हैं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार शुरुआत से ही तुम एक ऐसे बच्चे हो कि जो नहीं किसी के साथ काट सकता है, तुम्हें अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए, अकेले रहना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तुम्हारे घर वाले अलाउ कर रहे हैं, तो तुम्हें पीजी की तरफ जाना चाहिए। हॉस्टल में रहने के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, पीजी में रहने के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, दोनों को तुम्हें मद्देनजर रखते मतलब देखकर चलना होगा। अगर तुम एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो हॉस्टल को छोड़कर पीजी में ले जाने का, लेकिन सिर्फ एक चीज याद रखना कि बहुत बार ऐसा होगा
कि जो तुम्हारे कॉलेज वाले होंगे ना, वो तुम्हें बीच में हॉस्टल छोड़ने नहीं देंगे। वो तुम्हें ये चीज़ की शर्त रखेंगे कि तुम्हें अगर हॉस्टल छोड़ना है तो तुम एक साल के बाद ही छोड़ सकते हो, दो सालों के बाद ही छोड़ सकते हो। कोई तुम्हें बोले कि तुम डेढ़ साल के बाद हॉस्टल छोड़ दो, यानी कि मिड सम में, वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यार ये जो एक चीज़ है वो शुरुआत से ही कंसिडर करके चलना, और बाद में तुम खुद अपनी कॉलेज लाइफ को फिगर आउट कर लोगे। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कोई और डाउट्स हैं, या फिर तुम अपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो अपने जूनियर्स के लिए, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना यार। मैं जरूर उन कमेंट्स को पढ़कर या तो रिप्लाई दूंगा या तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। अगर आप डायरेक्टली मेरे साथ बात करना चाहते हो किसी भी चीज के रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी कंसल्टेशन कॉल का लिंक दिया हुआ है। उस कंसल्टेशन कॉल का प्राइस है 199 रुपीज। आप कॉल को बुक करके डायरेक्टली मेरे साथ जूम मीटिंग पे आकर एक घंटे के लिए बात कर सकते हो। इन द मीन टाइम यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।